और दोस्तों प्यार का पहला नाम राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से दामिनी बोलती हुई नजर आ रही है, दामिनी ने बोला है कि हम इस तरीका से करंट छोड़ेंगे कि जैसे ही राधा इस पूजा में जो कि जल चढ़ाएगी तुरंत ही वो अपने कान्हा जी के पास ही पहुँच जाएगी, यानी पूरा फुल प्रूफ मारने का प्लान बना लिया है और वो भी करंट से। आप लोग जानते हैं कि दामिनी और कावेरी इस समय इस तरीका से हावी हो चुकी हैं राधा और मोहन की जिंदगी को खराब करने के लिए बेहद ही ज़्यादा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक और भी नया कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है और वो ट्विस्ट क्या है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों जल्दी ही आखिरकार मोहन बोलता हुआ नजर आने वाला है कि ना मैं कभी हार माना था ना मैं कुछ हार मानूंगा, अगर मेरी राधा को कुछ भी होता है तो मुझसे ज़्यादा बुरा शायद ही कोई होगा। जी हाँ, क्योंकि इस समय दामिनी तो अपने भेष में नहीं आ सकती और कावेरी, क्योंकि दोस्तों वो दोनों इस समय भेष बनाकर ही आखिरकार आने का फुल प्रयास करती हुई नज़र आ रही हैं ताकि किसी भी तरीका से हम राधा के पास तक पहुंच सकें और फाइनली राधा को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा बुलवा सकें। लेकिन दोस्तों इस समय मोहन का पूरा परिवार अलर्ट है और मोहन का परिवार इसलिए अलर्ट है क्योंकि दामिनी आखिरकार कभी भी आ सकती हैं, ये भी एक बेहद बड़ी रियलिटी देखने को मिल रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि फिलहाल की कहानी बेहद ही ज़्यादा रोमांचित मोड़ पर आ चुकी है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि दामिनी ने बोला था मैं राधा की जान लेकर छोड़ूंगी चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन राधा के लिए मोहन खड़े हैं, उन्होंने बोल दिया है कि मैं राधा को कुछ नहीं होने दूंगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा इस कैसे लग रही है वीडियो।